शेयर बाजार में उठापटक जारी है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजे नजदीक आ रहे हैं, शेयर बाजार में वोलेटिलिटी इंडेक्स में तेजी निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर डाल रही है। भारत में बढ़ते विक्स और चुनाव परिणाम की अनिश्चितता के बीच भारतीय इक्विटी से विदेशी निवेशकों की निकासी बेरोक टोक जारी है। ऐसे में मई के चौथे सप्ताह बाजार में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे, सब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहले बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा। निफ्टी 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 22,502 के लेवल पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी में 0.25% का उछाल देखा गया और ये 48,199 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में पिछले हफ्ते भी 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी आई और इंडिया विक्स फिलहाल 20 के स्तर पर है और ये एक चिंता का विषय है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर FMCG को छोड़कर बाकी सारे ही सेक्टर्स में पिछले सप्ताह अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। रियल्टी 0.8% की तेजी दिखाई इसने, मेटल में 7% ज्यादा की तेजी, CPSE में भी 0.6% की तेजी, मीडिया 0.4%, एनर्जी 4.5%, फार्मा 0.3%, ऑटो 2.25%, फिन सर्विसेज 0.2%, IT में भी लगभग 1.5% ज्यादा, PSU बैंक में 1.25% ज्यादा और FMCG में गिरावट आई है 0.11%। अब आने वाले हफ्ते में वो कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 20 मई को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। 20 मई को फेड चेयरमैन की स्पीच होगी जिसपे बाजार पार्टिसिपेंट्स अच्छी खासी नजर बनाए रखेंगे। इसके अलावा 23 मई को HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़े जारी होंगे जिसपे बाजार की चाल निर्भर करेगी। 23 मई को HSBC इंडिया सर्विसेज PMI के आंकड़े जारी होंगे। इसके अलावा 23 मई को जापान के कोर CPI आंकड़े अप्रैल के लिए आएंगे जिसपे बाजार पार्टिसिपेंट्स की नज़र रहेगी और 24 मई को भारत के फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आएंगे जिस पर भी बाजार की चाल निर्भर करती है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर Q4 अर्निंग्स रिपोर्ट का आखिरी मेजर बैच बाजार में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को बूस्ट देगा। इसमें जी मीडिया, सन टीवी नेटवर्क, NTPC, हिंडालको, हिंदुस्तान कॉपर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ITC, इंडिगो, सन फार्मास्यूटिकल्स जैसे कई बड़े कंपनी के रिजल्ट जारी होंगे। इसके अलावा 20 और 21 मई को PSU स्टॉक्स के रिजल्ट जारी होंगे जिसपे बाजार की खासी नजर रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार के लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली जारी है। मई में अब तक FIIs ने 35,635 करोड़ की बिकवाली की है और बीते हफ्ते FIIs ने 12,903 करोड़ के शेयर बेचे। FIIs की ओर से ये बिकवाली बॉन्ड डील में मजबूती और वैल्यूएशन इशू के चलते जारी है। अब बाजार के लिए पॉजिटिव क्या साबित हो सकता है उस पर भी बात करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले महंगाई में नरमी से निवेशकों को बूस्ट मिला है और कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बयान के बाद BJP की वापसी का भरोसा भी काम कर रहा है। इसके अलावा कच्चा तेल में भी हमें स्थिरता दिख रही है, अभी $80 प्रति बैरल के करीब ही ट्रेड कर रहा है। वहीं FIIs बेच रहे हैं तो DIIs खरीद भी रहे हैं। मई में अब तक DIIs ने 33,820 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। अब IPO के मोर्चे पर बात कर लेते हैं तो सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में हलचल थोड़ी कम रहेगी। नए सप्ताह में मेन बोर्ड और SME दोनों सेगमेंट में एक एक नया IPO खुलने वाला है और इस तरह सिर्फ दो नए IPOs ही रहेंगे। इसके अलावा पहले से ओपन दो पब्लिक इशू में भी पैसा लगाने का मौका रहेगा। मेन बोर्ड सेगमेंट की बात करें तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का पब्लिक इशू 22 मई को खुलने जा रहा है। के लिए प्राइस बैंड 364 से लेकर 383 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और एक लॉट में 39 शेयर हैं। कंपनी 598.93 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और 27 मई को इशू क्लोज होने के बाद शेयरों की लिस्टिंग BSE और NSE पर 30 मई को हो सकती है। SME सेगमेंट में GSM फॉइल्स का IPO 11.01 करोड़ रुपए के लिए 24 मई को खुलेगा और 28 मई को क्लोज होगा। प्राइस बैंड इसका 32 रुपए प्रति शेयर और एक लॉट में 4,000 शेयर हैं। शेयरों की लिस्टिंग NSE SME पर 31 मई को हो सकती है। पहले से खुले IPO में हरिओम अट्टा एंड स्पाइसेस IPO 5.54 करोड़ रुपए का ये इशू 16 मई को खुला था और 21 मई को क्लोज होगा। अब तक ये 204.56 गुना सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 48 रुपए प्रति शेयर है और लॉट साइज में
3000 शेयर है। शेयरों की लिस्टिंग एनएससी और एसएमई पर 24 मई को होगी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल पर बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करूं तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल 22,340 से लेकर 22,410 के बीच रह सकता है। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 22,630 से लेकर 22,570 के बीच रह सकता है। वही बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल 47,900 से लेकर 48,000 के बीच रह सकता है। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 48,480 से लेकर 48,350 के बीच रह सकता है। हालांकि बीते हफ्ते निफ्टी स्तरों से 681 अंक दौड़ा है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि चुनाव परिणामों और तिमाही आय को लेकर चल रही अनिश्चितताओं के बीच निकट अवधि में यानी नियर टर्म में भी अस्थिरता जारी रह सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो बाजार की दिशा और दशा को तय करेंगे। लेकिन बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको जानकारी कैसी लगी कॉमेंट के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे पुस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।